अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम जवाद अहमद है और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिस्टर फैसू का अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट जो है सस्पेंड क्यों हुआ है, ब्लॉक क्यों हुआ है, बैन क्यों हुआ है। और जो यूट्यूब पे सॉन्ग था जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से जो सॉन्ग अपलोड किया गया था तेरे बिन कीवे रवांगी, वो क्यों हटा दिया गया है, वो क्यों डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब ने, ठीक है। जी म्यूज़िक ने सॉन्ग क्यों डिलीट किया, और जो टिकटॉक पे आईडी है टीम 07 की, वो क्यों हटा दी गई है, ठीक है। इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलें मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस जून में, ठीक है, कुछ आपको जो है जून के महीने में एक केस हुआ था जो था तबरेज़ का, तबरेज़ अंसारी का, जो उसका जो है डेथ हुई थी, तो उसको जो है कुछ लोगों ने पीटा था, तो ये डेथ हुई थी। तो इसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हुआ अकाउंट बंद, ठीक है। तो मिस्टर फैसू ने जो है इसी तबरेज़ के सिलसिले में, इसी तबरेज़ अंसारी के केस के ऊपर जो है एक वीडियो बना दी थी टिकटॉक पर, तो वो काफ़ी वायरल हो गई थी, तो वो काफ़ी सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लग गई थी। तो फिर जो है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स करा, और फिर जो ये वीडियो था वायरल हो गया था, फिर रिस्पॉन्स हुआ, तो इसी की वजह से जो है टिकटॉक ने आईडी हटा दी, ठीक है, मिस्टर फैसू की आईडी जो है ब्लॉक कर दी, सस्पेंड कर दी, क्योंकि ये एक रिलीजन का मामला था, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान का मामला था। तो इसलिए टिकटॉक ने कहा कि भाई आप क्यों जो है हिंदुस्तान को क्यों, मतलब मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हो, तो इस तरह कुछ कहा, तो इसलिए जो आईडी है वो हटा दी गई। और जी म्यूज़िक ने जो सॉन्ग हटाया है वो भी आई थिंक जो है इसी मामले की वजह से, यही जो केस चला, ये जो वीडियो बनाई थी उसी की वजह से सॉन्ग भी हटाया है, ठीक है। यही कुछ मामला हुआ है तबरेज़ अंसारी का, जो केस था उसी की वजह से जो है हुआ है सारा मामला, ठीक है। मिस्टर फैसू ने वीडियो बनाई दी, टीम 07 ने वीडियो बना दी थी, तो फिर जो है टिकटॉक को और सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज हैं उनको काफ़ी बुरा लगा कि क्यों ये रिलीजन पे जो है वीडियो बना रहे हैं, क्यों ये मुसलमानों की सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह कुछ हो गया था, ठीक है। क्यों ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ये किसी दूसरे रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जो है मिस्टर फैसू ने जो इंस्टाग्राम पर अपोलोजाइज़ भी किया है, माफ़ी भी मांगी है कि हमारे ये कोई मतलब कि हमारा इरादा नहीं था कि जो मतलब कि हमारा इरादा जो है नहीं था किसी का दिल दुखाने का, ठीक है, तो सॉरी भी किया है। तो बस यही था, कोई केस हुआ है जिसकी वजह से मिस्टर फैसू का अकाउंट हटा दिया गया, तो आई थिंक फिर से आ जाएगा टिकटॉक पे अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी फॉलोवर्स हैं उनके, पाकिस्तान से भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं, इंडिया के इंडिया से भी काफ़ी फॉलोवर्स हैं उनके, तो आ जाएगा अकाउंट। और जो सॉन्ग डिलीट किया है जी म्यूज़िक ने वो भी जो है शायद के जल्द आ जाए। तो यही बताना था आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो भी देखो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।